आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई में बगावत हो गई है। पार्टी के कई पदाधिकारी और नेता आपके प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद को हटाना चाहते हैं। आरोप बहुत सारे लगाए गए हैं। अध्यक्ष के खिलाफ बगावत, अरे अरे जरा रुकिए, हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे। इस बार मामला आपका है, मतलब आम आदमी पार्टी का। पंजाब और दिल्ली के बाद अब हरियाणा में पार्टी के भीतर बगावत के सुर बुलंद होने लगे हैं। चंडीगढ़ में जुटे पार्टी के नेताओं ने अपने प्रदेश अध्यक्ष पर अभद्र भाषा बोलने से लेकर पार्टी को कमजोर करने तक के तमाम आरोप जड़ दिए। हालांकि आरोप लगाने वाले कुछ नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया है, लेकिन सियासत में कई दाव ऐसे होते हैं जो फेंके तो पोबारा करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो उल्टे पड़ जाएं तो अपने ही उसे मुद्दा भी बना लेते हैं। लोकसभा चुनाव में नवीन जयहिंद पार्टी के फरीदाबाद से उम्मीदवार थे। साफ है यहां ब्राह्मण वोट भी काफी संख्या में थे, तो नवीन जयहिंद से पंडित नवीन जयहिंद हो गए थे। हालांकि हार भी काफी करारी हुई थी, लेकिन उम्मीद ये नहीं थी कि पंडित लगाते ही अपने भी पराए हो जाएंगे। फरीदाबाद में चुनाव लड़ा, उन्होंने अपने नाम के आगे तुरंत पंडित नवीन लगा लिया। अब उनको हम पंडित नवीन कह के बोलें, पंडित नवीन कौशिक कह के बोलें या पंडित नवीन जैन कह के बोलें, अब क्या काम नाम कह के बोलें। या तो आप देश में आप ऐसा प्रचार ना करो कि मैं जैन हूँ, मैं देश का आदमी हूँ, या फिर आप ऐसा प्रचार ना करो कि मैं पंडित हूँ। यानी कि जातिवाद का भी जहर घोल रहे हैं वो। यानी कि पार्टी की नीति हमारी ये नहीं है कि जातिवाद पे काम करें, हम मुद्दों पे काम करने वाले इंसान हैं, लेकिन उन्होंने उस टीम चीज को तुरंत डाइवर्ट करके एक जातिवाद के ऊपर लेके चले गए। तो ये वो एक भी ऐसी चीज नहीं, वो नकारात्मक राजनीति करते हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि पार्टी में अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी, लेकिन उन्हें इस तरह उठ रहे बगावती सुरों पर भी समय पर काबू पा लेना चाहिए था, क्योंकि एक बार जब किसी बात की शुरुआत हो जाती है तो वो किसी न किसी अंजाम तक तो पहुंचती ही है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।